नमस्कार दोस्तों, साइबर सिक्योरिटी की नई दुनिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट अभिषेक चौहान। तो आजकल जो है बहुत तगड़ा ट्रेंड चल रहा है इन चीजों का, जो आप पीछे देख रहे हो कि हर आदमी, कोई भी आदमी होगा, आपसे पूछता है क्या तुम्हारे घर में पुराना टीवी है, क्या तुम्हारे पास पुरानी रेडियो है, क्या तुम्हारे घर पे पुराना टेलीफोन पड़ा हुआ है जो बहुत ही पुराना है। उसके अंदर से एक ऐसा डिवाइस निकलेगा जो आपको करोड़पति बना देगा, ये कर देगा, वो कर देगा। पूरी सच्चाई आज आपके साथ में लेके आया हूं इस वीडियो में, देखना जरूर। ऐसा भी हो सकता कि जेल जाना पड़ जाए और देशद्रोह का मामला आपके सर पे आ जाए। इस वीडियो को अभी का भी लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए मैं बताता हूं, मैं साइबर सिक्योरिटी पढ़ा हुआ कंप्यूटर साइंस का स्टूडेंट आपको समझाता हूं कि ये फ्रॉड, ये स्कैम चल क्या रहा है, पूरा चक्कर क्या हो रहा है। लोग बाग दिन दौड़े लूट रहे हैं, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, कोई खरीद रहा है, कोई बेच रहा है, मजाक बना के रख दिया सबने। और पता ही नहीं है किसने फैलाई। एक औरत आई थी घर पे, वो पूछ रही थी तुम्हारा एक टीवी था, वो टीवी कहां गया, उसको हमें दीजिए। शटर वाला टीवी चाहिए जिसमें शटर खुलता हो, उसके सामने आपको 1 करोड़ रुपए देंगे। तुम्हारे पुराने टीवी के तुम्हें मिल जाएंगे 10,000 रुपए, तुम्हारे पुराने टीवी के 20,000 रुपए हम खोल के भी नहीं देखने के। क्या पूरा स्कैम चल रहा है, क्या चल रहा है आजकल। और कुछ दिन पहले यही चली थी कि एक ऐसा पदार्थ जो लाल रंग का है, जिसके एक बूंद से 3 महीने तक भारत को बिजली मिल सकती है, वो जा रहा है 70 लाख रुपए का, जिसकी कीमत आपको 5 करोड़ बताई जा रही है, जिसकी कीमत इतनी ज्यादा बताई जा रही है। ये सब एक धंधा करवा रहे हैं और ये पाकिस्तानी है। अगर आप भी पाकिस्तानी हो तो बच के रहना, क्योंकि जिस दिन फंसोगे उस दिन ठोक दिए जाओगे। ये हिंदुस्तान है। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने ये कैप्सूल से बना के उनमें मोबिल ऑयल जो होता है, जो आपकी बाइक में डलता है, जो आपकी मोटर कार में डलता है, उसमें मोबिल ऑयल भर के और बेच दिया। जो खरीदने वाला था, जो आम आदमी था, जिसको लगा था कि एक दिन में मैं अमीर बन जाऊंगा, एक दिन में इतने पैसे कि मैं बेच दूंगा। कोई उसके पास सोना लेके जा रहा है तो बल्ब जल रहे हैं उसमें, कोई उसके पास लेके जा रहा है लहसुन तो वो अट्रैक्ट हो रहा है। तो ये सारी चीजें, ये सब फ्रॉड है, बिल्कुल फ्रॉड है। अगर कोई भी आपसे टीवी पूछे या कहे कि आपके पास टीवी है, तो भाई उसको मत देना, क्योंकि उसका नुकसान हो जाएगा। ऐसी कोई पदार्थ आपको मिलता भी है तो इसको अपने नजदीकी जो आपके सेवा केंद्र है, जैसे पुलिस स्टेशन हुआ, उनमें जाके आप कर सकते हैं, उन्हें दे सकते हैं, क्योंकि ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। ये देशद्रोह में भी आ सकता है। मजहब कोई भी हो, कोई भी धर्म हो, वो अपने देश से, अपने खून से दगा करनी नहीं सिखाता। तो आपको भी यही समझना है और इस बात पे अमल करना है कि हमें अगर कोई ऐसा पदार्थ मिल भी जाता है, ये भी करना होता है, तो भाई उसको जाके दे दो, क्योंकि 2 दिन अच्छे से कमा लोगे, फिर पूरी जिंदगी पछताओगे। कोई फायदा नहीं है, ये सब स्कैम चल रहा है। बस एक वीडियो आई थी, उसमें क्या हुआ था कि एक आदमी को ऐसे ही भेज दिया गया, 10,000 रुपए में 2 कैप्सूल जो है वे पकड़ा दिए गए। जब उसने उनको तोड़ा, उसमें देखा कि मोबिल ऑयल उसके अंदर था और वो आदमी बहुत भौचक्का रहा, क्योंकि उसने 10 से 12 कैप्सूल जो है वो खरीद रखे थे। और इतना होते हुए ही उसने इतना सारा हंगामा किया। ये सारी न्यूज मैंने भी यूट्यूब पे देखी है और YouTube पे देखने पे मुझे पता चला है कि भाई ये एक नंबर का फ्रॉड है, फ्रॉड हो रहा है सबके साथ। बाकी ऐसी ही वीडियो अगर आपको देखनी है कि किस चीज से आपको बचना है, आपके मोबाइल पे एक मैसेज भेज के आपके सारे पैसे कोई उड़ा सकता है, ये सारी वीडियो इस चैनल पे मिलेंगी। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगर आप ही नहीं समझोगे तो कौन समझेगा इस देश को, इस जनता को, इस चलते स्कैम को। तो भाई इस वीडियो में इतना ही था। मैं आपको कहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब कर लो, ऐसी हर बात मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जल्दी से जल्दी आपको मैं वीडियो दूंगा, रोज एक वीडियो एक धोखे से बचाने के लिए आपके सामने में लाऊंगा। अगर कोई आपसे पूछता है कि आपके पास टीवी है, ये है, वो है, तो मना कर दीजिए, क्योंकि ये सब स्कैम है, ये सब झूठ है। और झूठ के बहकावे में पूरा का पूरा यूथ जो है आ रहा है। करने खाने की कोई बात नहीं होती, बस ये होता है कि कहीं से हराम का पैसा आ जाए और उनका जो है एक गंदा दिमाग वो भर जाए। तो इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में कल को जरूर आना अगर आज वीडियो देखी है। तो मैं चलता हूं, जय हिंद, जय भारत, ये देश नहीं झुकने देंगे। बाय बाय, टेक केयर।